पहली बार महिला पुलिस कर्मियों ने बदमाश का एनकाउंटर किया है। पुलिस मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ। पकड़ा गया बदमाश इमामल उर्फ बिहारी पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। वो अलग अलग जिलों में पशु तस्करी की घटनाओं को अंजाम दिया करता है। उसके पास से पुलिस ने देसी तमंचा, जिंदा कारतूस, मोटरसाइकिल भी बरामद की है। रामकोला थाना क्षेत्र के मेहंदीगंज नहर के पास ये मुठभेड़ की घटना को अंजाम दिया गया, तो पहली बार है जब इस तरह से इस पूरे मुठभेड़ के मिशन में महिला पुलिसकर्मी शामिल रही। महिला पुलिसकर्मियों ने ही एनकाउंटर किया है और इसमें एक बदमाश को गोली भी लगी है। महिला पुलिस अफसरों की अगुवाई में ही इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। तो नवरात्रि में नारी शक्ति की ताकत भी देखने को मिली। हर एक जगह पर अब नारियों का वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है और कुशीनगर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आई, जहां पर महिला पुलिसकर्मियों के अगुवाई में ही इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि कुशीनगर में बदमाश का एनकाउंटर हुआ है। इसी पर बातचीत करने के लिए प्रशांत कुमार संवाददाता कुशीनगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये बहुत बड़ी बात है, अब तक तो एनकाउंटर बहुत हुए हैं लेकिन महिलाओं की अगुवाई में ये एनकाउंटर अपने आप में खास हो जाता है। और पहले तो जो मेल पुलिस वाले थे वही खौफ का पर्याय बने थे, अब तो ये महिला भी अपने आप में खौफ का पर्याय बन गई है उत्तर प्रदेश के बदमाशों के लिए। बात जो है, जो महिला जो तेज तर्रार महिलाएं थी, इंस्पेक्टर थी, उनको जो थानों की कमान दी गई है, तो यह कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है। और जिसका ये परिणाम कुशीनगर में देखने को मिल रहा है, जहां बरवा पट्टी थाने पर तैनात सुमन सिंह की अगुवाई में एक शातिर बदमाश का एनकाउंटर किया गया है, जिसके पैर में गोली लगी है। उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये पहली घटना है नवरात्र के अवसर पर, जब शक्तियों की आराधना हो रही है, नवरात्र में शक्तियों की पूजा हो रही है, जो महिला शक्तियों के लिए तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं। तो ये ठीक है, प्रशांत आपसे बातचीत करेंगे। एडीजे लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, ये तस्वीरें बहुत सुखद हैं। महिलाएं अब हर जगह पर अपना वर्चस्व कायम कर रही हैं और कुशीनगर में जिस तरह से मुठभेड़ हुआ, उस मुठभेड़ टीम की अगुवाई महिला पुलिसकर्मी कर रही थी, तो एक एक करके अब अलग अलग जगहों पर महिलाओं के सशक्तिकरण की ये तस्वीरें बहुत ही सुखद हैं और बदमाशों के लिए खौफ का पर्याय अब ये महिलाएं बनेंगी। बताना चाहूंगा कि अभी शासन के निर्देश पे हरेक जनपद में महिला थाना के अतिरिक्त एक अन्य थाने पे थाना प्रभारी के रूप में महिलाओं की नियुक्ति की गई और हमारी महिलाएं वीरांगनाएं हैं। ये इनको ये सभी तरीके से ट्रेंड हैं, जो पुलिस की टैक्टिक्स है उनको जानती हैं और उनके द्वारा गश्त के दौरान ये कार्रवाई हुई है। और जब पुलिस फील्ड में कार्य करती है और घेराबंदी होती है तो उस समय फिर ये नहीं देखा जाता कि पुलिस वाले महिला है या पुरुष है। लोगों ने आगे बढ़ के काम किया है और अच्छे परिणाम आ रहे हैं। इससे एक तो हमारी जो महिला फोर्स है वो मोटिवेटेड भी होगी और दूसरा कि हमारे समाज में जो नारी शक्ति है वो भी अधिक से अधिक पुलिस फोर्स में भर्ती होगी। अभी हमारे यहाँ 50,000 से अधिक की भर्ती होने वाली है और हम लोग चाहेंगे, आपने अभी देखा होगा कि जो गोल्ड मेडल विनर है इस यार्ड में, उनको भी डिप्टी एसपी के रूप में लगाने का निर्णय शासन के द्वारा लिया गया है। तो पूरी तरीके से नारी शक्ति का जो मिशन शक्ति का हमारा मोटो है या नारा है कि नारी सुरक्षा, स्वावलंबन और सशक्तिकरण, इन तीनों चीजों में इंपावर भी कर रहे हैं। केवल हम लोग दिखाने के लिए नहीं हो रहा, ये सभी चीजें फील्ड में काम करके महिलाएं दिखाएंगी और कदम से कदम मिला के पुरुषों के साथ कार्य कर रही हैं। तो सामाजिक व्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छी बात है और ऐसे बहादुर हमारे जो साथी हैं, महिलाएं हैं, उनको
बिल्कुल प्रशांत जी, ये बहुत बड़ी पहल है और खास तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इस तरह से महिला की शक्ति का इस्तेमाल करना बहुत बड़ी उपलब्धि जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसके लिए भी है। तो क्या आगे भी हम इस तरह से जो भी मुठभेड़ होगा या बाकी जिस भी फील्ड में हम आगे पुलिस के महकमे में देखेंगे कि इस तरह से महिलाएं सक्रिय होंगी, महिला पुलिसकर्मियों को हम आगे लीड करते हुए टीम को देख सकेंगे? नहीं, हमारे तो बहुत सारे कप्तान हैं, हमारी एडीजी जोन है, हमारी सीपी हैं, हमारे 5 से अधिक जिलों के कप्तान महिला कप्तान हैं, वो सारी चीजें लीड करती हैं। और इन लोगों ने अपने अपने जब ये जूनियर लेवल पे थी इन्होंने भी एनकाउंटर्स को लीड किया था। ये अगर जो भी थानाध्यक्ष रहेगा कटिंग एज लेवल पर रहेगा उसको जो कार्य दिया जाएगा वो करेगा। इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और कल की भी जो वारदात हुई है उसमें इनके अलावा अन्य भी टीमें लगी थी। प्रशांत जी, आपको लग रहा है कि महिलाओं की भागीदारी अब बढ़ रही है? जिस तरह से आपने कहा अलग अलग जिलों में कप्तान है, हम भी देखते हैं और उनके बहादुरी के किस्से भी सुनते हैं, लेकिन ये भागीदारी आगे बढ़ रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप लोगों की तरफ से भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, मुख्यमंत्री की तरफ से भी प्रोत्साहित किया जा रहा है इन महिलाओं को इस तरह के फोर्सेज में आने के लिए, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी, शासन की तरफ से तो निर्देश है ही और शासन की तरफ से महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए सभी तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सब चीजें एक मैसेज देती हैं समाज में कि हमारी महिलाएं किसी से कम नहीं हैं और वो सभी तरह के कार्य करने में निपुण हैं। बिल्कुल, तो नवरात्र के मौके पर इस तरह की तस्वीर बहुत ही अच्छी तस्वीर है महिला सशक्तिकरण की। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।